भारत आज के समय ऐसी ताकत बनकर सामने आया है जिसने दुनिया को हैरान करके रख दिया है, क्योंकि आज की तारीख में भारत ने जो रास्ता चुना है उसने भारत को विश्वगुरु बनने की राह पर मोड़ दिया है। और भारत ताकतवर से लेकर कमजोर देशों के लिए एक अहम देश बनकर सामने आया है जिसने विश्व का ध्यान भारत की ओर आकर्षित किया है। ये तो आप जानते ही होंगे कि भारत चीन और पाकिस्तान की अकड़ को ढीला करने के लिए S-400 लेने वाला है, जिस पर अमेरिका ने भारत को प्रतिबंधों की धमकी तक दे डाली है। लेकिन अमेरिका यहाँ ये भूल चुका है कि इससे दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर बड़ा असर पड़ेगा। पर इस समय जो S-400 को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो भारत में नहीं बल्कि अमेरिका में हो रही है, क्योंकि इस समय अगर भारत के खिलाफ अमेरिका कोई भी एक्शन लेता है तो वो सीधे तौर पर रूस को भारत के करीब ला देगा और ये एक तरह से रूस की ही जीत होगी जो शायद अमेरिका को रास नहीं आएगा। और यहाँ पर भारत ने अमेरिका को साफ संदेश दे दिया है कि वो S-400 की डील को किसी भी हाल में कैंसिल नहीं करेगा। इससे अमेरिका के बड़े बड़े नेताओं से लेकर थिंक टैंक तक इस दुविधा में पड़ गए हैं कि भारत पर प्रतिबंध लगाया जाए कि नहीं, क्योंकि आज के माहौल को देखा जाए तो भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका को उभरते हुए चीन को टक्कर देनी है। उसके लिए भारत उसके लिए हुक्म का इक्का साबित होगा। अगर अमेरिका इस वक्त पर कुछ भी गलत फैसले लेता है तो इसका नकारात्मक असर अमेरिका में ही होता हुआ दिखाई देगा, जो शायद अमेरिका तो भूल कर भी नहीं चाहेगा। और इसी को लेकर अमेरिकी संसद दो धड़ों में बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसमें ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के नेता टॉड यंग ने कहा है कि अगर भारत पर काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सिटी थ्रू सैंक्शन एक्ट यानी कि काट्सा के तहत प्रतिबंध लगाया जाता है तो यह रूस के लिए भू राजनीतिक जीत होगी। अमेरिकी सेनेट की विदेश मामलों की समिति के सदस्य टॉड यंग ने विदेश नीति मैगजीन में कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का प्रशासन भारत पर प्रतिबंध लगाता है तो इससे अहम समय में दो रणनीतिक मोर्चे कमजोर होंगे। इससे भारत के साथ अमेरिका के संबंध तो कमजोर होंगे ही होंगे, साथ ही साथ इससे चीन से निपटने की क्वाड की क्षमता भी प्रभावित होगी। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि जो बाइडेन सरकार कुछ भी कर ले अपने प्रतिबंधों से भारत को रोक नहीं पाएगी। उन्होंने कहा है कि जो बाइडेन प्रशासन को भारत को इन प्रतिबंधों से छूट देनी चाहिए, क्योंकि इससे ये साफ हो जाएगा कि चीन ही सबके लिए प्राथमिक खतरा है। यहाँ पर अमेरिकी सेनेटर टॉड यंग का भारत के पक्ष में बयान ये साफ बताता है कि वैश्विक कूटनीति में भारत की अहमियत काफी ज्यादा बढ़ गई है और ये साफ साफ भारत की बढ़ती हुई शक्ति को दर्शाता है।